इन पर बात करना बेकार है। और रही कंगना रनावत की बात, इनके कैरेक्टर को और इनके एक्टिंग को देखते हुए और इनकी बातों को देखते हुए देश ने उसी कंगना रनावत की शायद आप लोग बात कर रहे हैं जिसको देश ने नकार दिया है और पूरे देश ने नकार दिया है। देश ने नहीं, कुछ लोगों ने जो एंटी नेशनल तत्व है यहाँ पर, भाई एंटी नेशनल तत्व तो फिर पूरा हिंदुस्तान हो गया। उसकी शो का एक भी टिकट नहीं बिक रहा है, पिक्चर हॉलों से पिक्चर हटा दी गई है। जो महिला ये बोलती हो कि देश 2014 में आजाद हुआ, जिसने सरदार शहीद आजम भगत सिंह को नकारने का काम किया, जिसने सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को नकारने का काम किया, जिसने अशफाक बिस्मिल की कुर्बानी को नकारने का काम किया, जिसने महात्मा गांधी के संघर्षों को नकारने का काम किया, जिसने रानी लक्ष्मीबाई के संघर्षों को नकारने का काम किया, जिसने अंग्रेजों से लड़ने वाले टीपू सुल्तान के संघर्षों को नकारने का काम किया, उसको देश ने नकार दिया। आप उनके हिसाब से अभी एंटी नेशनल है क्योंकि आप भी मूवी नहीं देखने जा रहे हैं। वो होती कौन है? मैं फिर नहीं कह, मैं महिला है, मैं इसलिए अपशब्द नहीं बोलना चाहता। वो मुझे एंटी नेशनल कहने वाली होती कौन है? आज अगर जो एंटी नेशनल कोई है तो वो कंगना रनावत है। कंगना रनावत ने 2014 के बाद ही जीवन देखा है। इस देश के अंदर पंडित नेहरू जी ने जो पूरे देश को बनाया था उसको नकारने वाली कंगना रनावत है। मैंने आपको पहले बता दिया है, कंगना रनावत सबसे बड़ी एंटी नेशनल देश की गद्दार है। जो 2014 के पहले किए गए संघर्षों को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, कंगना रनावत ने साफ साफ कहा कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जंगल था, हम पत्ते लपेट के चलते थे कपड़ों के बिना, और हमारे पास खाने को नहीं था, हम पत्ते खाते थे, पत्ते लपेटते थे, हम बैलगाड़ी से चलते